टू एवरीवन। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आपको जूम पे जो है पर्सनली जो मीटिंग जो है वो लेनी है, आपको क्या करना है इसके लिए। आपको सबसे पहले जूम पे एक लिंक जो है वो क्रिएट करना है। तो जब आप जूम ऐप जो है उसको ओपन करोगे तो आपके पास इस तरह के कुछ आइकन्स आएंगे, न्यू मीटिंग, ज्वाइन, शेड्यूल एंड शेयर स्क्रीन। तो आपको क्या करना है, शेड्यूल पे सिंपली क्लिक करना है। तो शेड्यूल पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा मोहम्मद हफीज़ जूम मीटिंग। तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, आपको जो सब्जेक्ट होगा जो मीटिंग जिससे रिगार्डेड होगी तो आपको वहाँ पे टाइप करना है। सपोज मैं अभी लिखता हूँ इसमें माई मीटिंग, तो मैंने लिखा माई मीटिंग, तो डेट, उसके बाद डेट आ रही है, आज की डेट आ रही है, फ्रॉम, आप कितने बजे से मीटिंग लेना चाहते हैं। सपोज आप चाहते हैं कि 12 बजे मीटिंग लेना, तो आप यहाँ पे सेट करेंगे 12 PM। तो उसके बाद आपका लगभग कंप्लीट हो गया। और एक पासकोड, अगर आप चाहते हैं कि पासकोड थोड़ा इजी रखें, ठीक है, आप खुद से इसको टाइम रिजनरेट कर सकते हैं, तो आप लिखेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हो गया आपका लिंक सिंपली से क्रिएट। तो आपको क्या करना है, डन कर देना है। जब आप डन पे क्लिक करेंगे तो ये जो है ओपन होगा मेल में। तो देखिए आज अगर आप चाहें तो आप एम्प्लॉयज़ को पर्सनली मेल भी कर सकते हैं, लेकिन आज आपको पता है कि सब व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, तो आप व्हाट्सएप पे भी इस लिंक को शेयर कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली जो यहाँ से आपको क्या करना है, लिंक को क्या करना है, इसको कॉपी करना है। और यहाँ से कॉपी कॉपी करने के बाद आपको व्हाट्सएप खोलना है, ठीक है, जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे देखो मैं शेयर करता हूँ, सपोज तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे दिखा रहा है ज्वाइन जूम मीटिंग, ठीक है। तो 12 बजे क्या है, आप चूँकि आप अपने लिंक जो है आपने क्रिएट किया है, इसलिए अब आप जो है होस्ट हैं, यानी जो आप मीटिंग को हैंडल करेंगे। तो उसके बाद आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, और आपको जिस जिसके साथ भी मीटिंग लेनी है उनके साथ इस लिंक को क्या करना है, शेयर कर देना है। और जब 12 बज जाएंगे तो सिंपली जो है वो इस लिंक पे क्लिक करेंगे, तो आपके स्क्रीन पे, आप जो कि होस्ट है, आपके स्क्रीन पे उनका नाम आएगा और ऑप्शन आएगा एडमिट, तो आपको सिंपली उनको एडमिट करना है। और साथ में जो है मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि ये जो फ्री वर्जन है जूम का, तो ये मीटिंग जो है आप सिर्फ 40 मिनट्स तक ले सकते हैं, और 40 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली जो है ये लिंक जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी कि आप ये मीटिंग जो है एग्जिट हो जाएगी। तो इसके लिए सिंपल एक है, आप क्या करेंगे, जब 30 मिनट्स हो जाएंगे, एक सिंपल सी टिप है, सपोज 30 मिनट्स जब हो जाएंगे तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को बोल सकते हैं कि अब हम 10 मिनट्स का या 15 मिनट्स का जो है गैप लेंगे, इसमें अगर आपको पानी पीना है या कुछ और काम करना है तो आप कीजिए, और 15 मिनट्स के बाद एग्जैक्टली हम फिर से जो है मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, फिर से उसी लिंक पे जो लिंक आपने क्रिएट किया है उसको क्लिक करके फिर से आप आधे घंटे तक चला सकते हैं या 40 मिनट्स तक चला सकते हैं, उसके बाद फिर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर से आप इसको आगे जो है कंटिन्यू लिंक को आप जितनी बार भी चाहे उसके बाद इतनी बार इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इंटरप्शन ना हो, आप कंटिन्यू करें, तो इसके लिए आपको क्या है, जूम ऐप जो है वो परचेज़ करना पड़ेगा। इसमें बेसिक प्लान्स वगैरह आते हैं, लेकिन अगर आपको छोटी छोटी मीटिंग्स लेनी है तो 30 मिनट्स इज़ आई थिंक मोर एनफ। और आप फिर अगर जब डिस्कनेक्ट हो जाएगा आप फिर से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए एक्चुअली में स्पीड जो है 2G चल रहा है, तो इसलिए स्पीड थोड़ी कम है, इसलिए ये कनेक्टिंग में टाइम ले रहा है। तो जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद फिर से एक सिंपल जो है स्क्रीन आएगी, जो जैसी जूम स्क्रीन आती है, तो उसके बाद आपको फिर से म्यूट अनम्यूट जो है, इस पर मैंने एक बाज़ाब्ता एक वीडियो बनाई है, तो जिन जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये है कि दिस इज़ हाउ यू क्रिएट योर ओन लिंक इन जूम। थैंक यू सो मच।